निखिल भाई दिखाइए जरा क्या। आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, हमारे देश की प्रतिभा देखो आप कैसे है यहाँ पर। अभी यहाँ पर काम से आया था मैं, एक बंदा है जो फ्लूट बजा रहा है। फ्लूट इतना अट्रैक्ट करी मेरे को। ये हम दूर से जा रहे हैं भैया, रुक जाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो। अभी यहाँ पे हमारा बांसुरी बज जाएगी दोनों की। बांसुरी वाले भैया कितना शानदार बजाते हैं आप देख रहे हैं, आप आवाज सुन रहे हैं इतनी दूर से, वो वहाँ से बजा रहा है। अरे भैया बजा के दिखाएंगे जरा, भैया बजा के दिखाओ। आपकी आवाज ना मेरे को उस कमरे से लेकर आइए। क्या नाम है भैया आपका? देखो शाहरुख। शाहरुख नाम है भैया, और इनकी आवाज सुनना आप। और निखिल भाई हम किस जगह हैं अभी, ये भी बता दीजिए। अभी हम द्वारका में है, सेक्टर 18 एकर। और यहाँ पर देखिए ये जो बाजार है ना, मतलब बहुत क्लास है ये पता नहीं नायाब है, मैं तो ये कहूँगा कि नायाब है ये आवाज। ये कृष्ण जी के अवतार हैं, देखो एक और भाई आए हैं नए युग में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो जुबेर है। जुबेर, ये जुबेर भाई है और ये शाहरुख भाई है। शाहरुख भाई हैं ये, जो ये फ्लूट बजा रहे हैं। अभी भैया देखना, बजा के दिखाएंगे, ये दिखाना जरा। चलते चलते बना लेते हैं सुन के। अगर रोज की सुबह इस तरह हो निखिल भाई तो मजा नहीं आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी आवाज के साथ उड़ना चाहूंगा। अगर रोजाना ये आवाज मेरे को मिल जाए मजा आ जाएगा। ये देखिए जुबेर भाई जो बांसुरी बजा रहे हैं, क्लास है यार। अभी हम जुबेर भाई से पता करके वो कहाँ से हैं, कैसे, किधर से, कहाँ से सीखी इन्होंने इतनी अच्छी भजन। अभी थोड़ी देर में हम पूछते हैं। अभी पता करते हैं जुबेर भाई से। जुबेर भाई अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसे आए, मतलब कैसे आपने ये आपका ये बेचना हुआ? सर मैं यूपी का हूँ। यूपी से? यूपी में कहाँ से? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले से हैं, यूपी से। और आप मतलब कैसे, आपका मतलब शौक कैसे हुआ ये, मतलब लूट बजाना, या मतलब खानदानी है या नहीं? सर खानदानी का, पापा बेचते थे तो। अभी मैं गुजरात में रहता था पहले, अभी कम से कम 10 साल पहले मेरे पापा वहाँ बेचते थे गुजरात में लूट। फिर यहाँ पे वहाँ पे कोई कमाई नहीं होती थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो उनके कमाई में कुछ कम होते थे, इतना काम नहीं चलता था। हम लोग हमारे मित्रोजा हम गुड़गांव आए थे तो मैं थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट ले लेकर देखता था, पता था जो गलियों में बेचते 2-4 रुपये 5 रुपये 4 रुपये। तो इसके साथ साथ मैंने गुब्बारा भी बेचना शुरू कर दिया था पहले, मैं गाँव में बेचता था। तो बांसुरी प्रैक्टिस करते करते फ्रूट जो मेरे पापा थोड़े बहुत निकालते थे ना, उसको 2-4 फ्रूट लेके मैं बजाने लग जाता था। उसी को लेके गुब्बारे के साथ बेचने भी जाता था।
तो मेरे को 12 बिकते थे, तो उसके फिर थोड़े थोड़े बांसुरी भी रख लिया, अच्छा तो 12 भी रख लिया, साथ साथ दोनों बेचते थे, तो इसी के प्रैक्टिस से मुझे बजाना आ गया। पर ज़्यादातर अब तो यूट्यूब से ही सीखता हूँ मैं, कोई भी धुन हो कोई भी टोन हो तो यूट्यूब ऑनलाइन सीख लेता हूँ। अच्छा, मतलब ये जो बांसुरी बजाना आपने सीखा है वो यूट्यूब से सीखा? यूट्यूब से। और कितना टाइम से सीख रहा हूँ? मतलब मुझे सर हो गए 4 साल फ्लूट बेचते हुए। फ्लूट बेचते हुए 4 साल हो गए, और कब से सीख रहे हैं आप? बस उसी चार साल से आप मतलब बहुत अच्छा बजाते हो जुबेर भाई, बहुत सही है, बहुत मजा आ गया सुन के आपकी। ये जो ये गुब्बारे बेचते थे, फिर गुब्बारे के साथ साथ इन्होंने बांसुरी भी बेचना स्टार्ट करा। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि आप अच्छा बजाते हो फ्लूट, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो मैं मतलब किसी बैंड में ज्वाइन करने के लिए बोला गया था, तो मैंने बैंड वाले के साथ थोड़ा अगर अच्छा नहीं लगता था, और मैंने मंच पे बर्थडे वगैरह बर्थडे छुपी कोई पार्टी हो गई उस मंच पे, तो मैं बजाता भी हूँ। तो ये मंच पे भी बजाते हैं, काफ़ी अच्छा बजाते हैं, अपना धंधा चला रहे हैं फ्लूट बेच कर। ये इस टाइम लॉकडाउन में भैया कोई मंच तो नहीं है, बट घूम के फेरी चलाने का अपना धंधा चला रहा हूँ, जो काम चल जाए मेरा वही बहुत है अभी। बाकी अगर ये सब बीमारी या प्रॉब्लम ना होती तो शायद कोई ना कोई ऑर्डर अब तक तो मिल ही गया होता, फिर 2-4 तो ऑर्डर मिल जाता। देख लिया देश की प्रतिभा कैसे। देखिए आपने इनकी आवाज़ सुनी, आपने इनकी जो आवाज़ थी ये फ्लूट बजाने की वो देखिए। अगर आपको पसंद आता है इनकी कोई मतलब इनको ढूंढना चाहता है, इनकी प्रतिभा को आप पहचान पाते हो, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। आप अपना नाम तो बता दीजिए, जुबेर नाम है, ये कांटेक्ट नंबर भी आपको बता रहे हैं अपना, नंबर भी बता दीजिए आपका। नंबर भी है 7683037937। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर पर है, जुबेर नाम है इनका, और ये फ़ोन उठा लेंगे आप जब भी इनसे कांटेक्ट। जो शुरू में सीखना चाहते हैं बिगिनर है जो, उनके लिए बताएंगे किस तरीके के फ्लूट वो पहले अवेलेबल करा। दो बिगिनर के दो फ्लूट होती है, एक तो सांस रोकने के लिए हो जाते हैं पेंट वाली फ्लूट, जो इजी मतलब नॉर्मली अभी इजी कर सकते हो। फिर जी नोट का फ्लूट होता है, जो सीखने का होता है दोनों का, सी होता है जी होता है। एक तो इस तरह की भी होती है, वो तो सबसे बढ़िया होती है। फ्लूट में सबसे सक्सेस फ्लूट वही है, बट इसमें जो होता है वो अलगोजा होता है, उसको प्रैक्टिस के लिए लिया जाता है। उसमें सांसें लंबी रोकनी होती है, जैसे सांस मतलब जिसको नहीं अभी आ रहा है उसके लिए सांस रोकना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा उस फ्लूट में बजाना। उसमें सांस रोके उसके जरिए से उसी का अनुभव से साइड वाला फ्लूट बजा सकता है कोई भी बंदा। तो देखा ये जो इन्होंने बताया इस तरीके के फ्लूट है वो जो बता रही है। ऑनलाइन से आप चेक करोगे तो बहुत सारे भैया ऐसे आपको मतलब बता दे रहेंगे वीडियो में किस तरह सारे काम, हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे, बिगनर चलाना सारे काम सबके नोट्स। और जो भी आपने बताया बिगनर का है, ये बिगनर के लिए मैंने बताया। तो ये है दोस्तों बिगनर के लिए इन्होंने बता दिया किस तरीके के फ्लूट हैं, दो जी ओ सी टाइप के तो बताए इन्होंने, मुझे अभी समझ में नहीं आया क्योंकि अभी मैं इनसे लूँगा और अभी और बातें पता करके इनसे पता करूँगा किस तरीके की हैं, बाकी इन्होंने बता दिया है। और सीखना चाहें तो जुबेर भाई आपको दिल से बांसुरी बजाना भी सिखाएंगे। ठीक है जुबेर भाई, भाई बिल्कुल बहुत बहुत आपसे मिलकर बहुत शानदार बजाते हो आप। ये जुबेर भाई पहाड़ी धुन बजा रहे हैं। ये फ्लूट आप भैया को देने वाला हूँ मैं, ये सी शार्प फ्लूट बेस्ट फ्लूट है।